प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट. अभी हम इसका एक केस ऑलरेडी करे बैठे हैं. क्या केस करे बैठे हैं कि अगर हमें दो वैल्यूज गिवन है, करंट ईयर बैलेंस गिवन है, प्रीवियस ईयर बैलेंस गिवन है. कहानी पड़ी थी फाइनेंशियल ईयर की, तो उसमें कहता कि जो करंट ईयर प्रोविजन क्रिएट करा है वो नेक्स्ट ईयर में जाके पे होगा, जो पिछले साल प्रोविजन क्रिएट किया था वो करंट ईयर में पे होगा. तो अगर आपको प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, दो बैलेंसेस दे रखे हैं, करेंट ईयर बैलेंस प्रीवियस ईयर बैलेंस, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो करेंट ईयर टैक्स ऑफ 75,000 विल बी पेड इन द नेक्स्ट ईयर, देयरफॉर एडेड बैक. प्रीवियस टैक्स ऑफ 50,000 विल बी पेड इन द करेंट ईयर, देयरफॉर डिडक्टेड. प्रेजेंटेशन ऑपरेटिंग में फर्स्ट पार्ट में स्टेप वन, जब हम कर रहे होते हैं कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम्स, तो ऐड करेंगे कौन सा टैक्स, करेंट ईयर प्रोविजन. तो 50,000 ऐड होगा लास्ट स्टेप में जाके, लास्ट स्टेप. एक्स्ट्रॉर्डिनरी आइटम अगर नहीं है तो यही लास्ट स्टेप है. तो लास्ट स्टेप में जाके टैक्स पेड जब माइनस हो रहा है तो वो कौन सा माइनस होगा, 75,000. स्टेप वन हम ऑलरेडी कर चुके हैं. इसमें किसी को डाउट कि अगर 2 साल का डेटा दे रखा है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो करंट ईयर प्रोविजन ऐड होगा, प्रीवियस ईयर माइनस होगा. अब मजेदार पॉइंट है, एडजस्टमेंट्स अगर आ जाए. एडजस्टमेंट्स, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, दो बैलेंसेस गिवन थे, करंट ईयर प्रीवियस ईयर, कुछ भी अमाउंट बोलो. करेंट ईयर 15,000, प्रीवियस ईयर चलो कोई बात नहीं देख लेंगे, करेंट ईयर 15, प्रीवियस ईयर 30,000. अब ध्यान से देखना, सिर्फ प्रोविजन मेड फिक्स दे रखा है तो थोड़े बड़े अमाउंट्स ले लेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ता. टैक्स पेड ज्यादा आ जाता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. प्रोविजन फॉर टैक्स करेंट ईयर 50,000, चलो 15 आपका वही ले लेते हैं, 15 और 30 लिया था ना आपने, देख लेते हैं चलो एक बार. अब ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रोविजन फॉर टैक्स क्या है, करेंट ईयर प्रीवियस ईयर, और इंफॉर्मेशन दे रखी है टैक्स प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर वॉज 65,000. अगर स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन आ गई तो फिर आप थोड़ी ना ये अज्यूम करेंगे कि करेंट ईयर में 15,000 का प्रोविजन क्रिएट किया है. पहले में तो जो करेंट ईयर बैलेंस है वो हम अज्यूम करते हैं कि करेंट ईयर में इतना प्रोविजन क्रिएट हुआ है, क्योंकि कोई और इंफॉर्मेशन नहीं है, और पिछले साल का प्रोविजन इस साल पे हो गया होगा. यहाँ स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि इस साल 65,000 का प्रोविजन क्रिएट किया है, तो ये नॉर्मल लाइबिलिटी की तरह ट्रीट होगा सर. मतलब एक अकाउंट है ये, प्रोविजन फॉर टैक्स लाइबिलिटी होता है. इसका नेचर क्या होता है, इट इज अ लाइबिलिटी, तो लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस होता है. तो उसका आपको वर्किंग नोट में अकाउंट बनाना पड़ेगा. ओपनिंग बैलेंस, जब साल शुरू हुआ तो पहले से बैलेंस क्या था, 30,000. जब साल एंड हुआ टू बैलेंस कैरेट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस क्या है, 15,000. अब आपको अब दो ही और चीजें हो सकती हैं कि इस साल प्रोविजन कितना क्रिएट हुआ, इस साल टैक्स कितना पे हुआ. दो ही इंफॉर्मेशन चाहिए हमें, कितना प्रोविजन एड बैक होता है प्रोविजन फॉर द करेंट ईयर, और टैक्स पेड माइनस होता है. तो हमें क्या गिवन था, टैक्स प्रोविजन मेड गिवन है. इसकी जर्नल एंट्री होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जर्नल एंट्री फॉर क्रिएटिंग प्रोविजन फॉर टैक्स. करेंट ईयर प्रोविजन क्रिएट करने की एंट्री होती है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन फॉर टैक्स. दिस ट्रांजैक्शन रिड्यूसेस द प्रॉफिट्स बट नॉट द कैश और बैंक बैलेंस. कहीं यूज हुआ कैश और बैंक, बट जब बात आती है टैक्स पेमेंट की, उसकी जर्नल एंट्री होती है प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक. दिस लीड्स टू अ रिडक्शन इन कैश और बैंक बैलेंस. तो करेंट ईयर प्रोविजन की एंट्री क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन फॉर टैक्स. हमें क्या गिवन है,
प्रोविजन मेड, करेंट ईयर प्रोविजन दे रखा है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कितना प्रोविजन क्रिएट किया? 65,000। तो ये क्या हो गया? 95,000 क्रेडिट्स। तो यहाँ पे क्या आएगा? टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। क्या है यहाँ पे? 80,000। क्या है ये? टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस गिवन था, एक इंफॉर्मेशन गिवन थी। एक इंफॉर्मेशन या तो होगी इस साल प्रोविजन कितना क्रिएट हुआ, या फिर होगी इस साल टैक्स कितना पे हुआ। तो यहाँ पे गिवन था प्रोविजन कितना क्रिएट हुआ, प्रोविजन की इंफॉर्मेशन थी, टैक्स पेमेंट आपने निकाल दी। तो एड बैक क्या होता है ऑपरेटिंग में? प्रोविजन क्रिएटेड माइनस क्या होता है? टैक्स पेड। टैक्स पेड वो माइनस होता है। तो सर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस का क्या होगा? बेटा वो सिर्फ यूज हुए, वो सिर्फ यूज हुए कैलकुलेट करने के लिए, मिसिंग फिगर। तो ऑपरेटिंग में ऐड होगा प्रोविजन फॉर टैक्स कितना? 65,000। माइनस होगा टैक्स पेड कितना? 80,000। क्लियर? तो इस केस में क्या था? आपको प्रोविजन फॉर टैक्स गिवन था, और क्या हो सकता है? कुछ भी ले लो, 40-50। टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब टैक्स पेड गिवन है, तो अगर टैक्स पेड 60 है, तो हम ये अज्यूम तो कर नहीं सकते कि जो प्रीवियस ईयर टैक्स है वो पे हो गया, क्योंकि कुछ और है वैल्यू। जब इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होती तो हम अज्यूम करते हैं कि प्रीवियस ईयर का पे हो गया, करंट ईयर का प्रोविजन है। यहाँ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन गिवन है, तो फिर से अकाउंट बनेगा वर्किंग नोट में। ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस 50,000, टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस 40,000। टैक्स पे हो गया, टैक्स पेड दे रखा है, तो ये गिवन है प्रोविजन फॉर टैक्स टू बैंक कितना? 60,000। तो अब बैलेंसिंग फिगर किधर आ जाएगा? इधर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल बैलेंसिंग फिगर। क्या है ये? प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। क्या निकाला आपने? प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर। ये क्या है? टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो ऐड क्या होगा? प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर, और माइनस क्या होगा? गलत, ये माइनस होगा टैक्स पेड ड्यूरिंग द। छोटा सा अकाउंट है बट बड़ा इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट है। उनके पास ज्यादा चीजें हैं नहीं पूछने के लिए, तो ये पूछने के चांसेस बहुत हाई हैं। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे रखे हैं, तो एडजस्टमेंट्स हैं, तो या तो प्रोविजन मेड होगा या टैक्स पेड होगा। और छोटी छोटी चीजें जो हमें पता होनी चाहिए, अगर एक ही वैल्यू गिवन है टैक्स की, मैं आपको बता चुका हूं कि अगर एक ही वैल्यू गिवन है तो हम अज्यूम करते हैं कि वही प्रोविजन होगा, वही पेमेंट होगी। इफ ओनली वन वैल्यू इज गिवन रिगार्डिंग प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और पेमेंट ऑफ टैक्सेशन, वी विल अज्यूम दैट द सेम अमाउंट मस्ट हैव बीन प्रोवाइडेड एज टैक्स ड्यूरिंग द ईयर एंड द सेम अमाउंट मस्ट हैव बीन पेड एज टैक्स ड्यूरिंग द ईयर, अगर एक ही वैल्यू गिवन है तो। प्रोविजन और जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आता है ना, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, लेस टैक्स, फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो जो टैक्स स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस हो रहा होता है, क्या होता है वो? करेंट ईयर प्रोविजन। हो ही रहा ना, प्रॉफिट्स में से कुछ पैसा सेट असाइड कर रहे हैं, तो प्रोविजन फॉर टैक्स अपेयरिंग इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द करेंट ईयर इज द प्रोविजन फॉर टैक्स मेड इन द करेंट ईयर। इसी के साथ प्रोविजन फॉर टैक्स और कैश फ्लो स्टेटमेंट के सारे कॉन्सेप्ट्स समाप्त हुए। अब बचा क्या है? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कंसोलिडेटेड की, पूरी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी हो तो कैसे बनेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है काफी, बट कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं आएगा।